हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि रात को हम आराम से सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो नेक में जकड़न होती है। कई बार तो ये इतनी ज़्यादा होती है कि नेक को हल्का सा भी मूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज के इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम के बारे में आसान और इफेक्टिव सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, इस तरह का नेक पेन आपने छोटे बच्चों में भी अक्सर देखा होगा। बच्चा रात को हंसता खेलता सोया था और सुबह जब उठा तो अचानक से उसकी नेक में इतना पेन था कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, कोई चोट तो नहीं लग गई, लेकिन रात को जब सोया था तब तो ठीक था। फ्रेंड्स, इस कंडीशन को सडन नेक पेन या नेक जैम भी कहते हैं और मेडिकली इस कंडीशन को एक्यूट नेक पेन या एक्यूट टॉर्टिकोलिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में सोकर उठते ही आप नेक में पेन फील करते हैं और हल्का सा भी मूव करने पर तेज दर्द होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके लिए क्या करें। फ्रेंड्स, सभी लोग अपने लेवल पर इसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कोई तेल मालिश करवाता है, कोई गर्दन में झटका लगवाता है, लेकिन इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताता हूँ। इस तरह का पेन नेक मसल्स में अचानक खिंचाव आने की वजह से या स्पैजम आने की वजह से होता है। और फ्रेंड्स, 99% लोग इसे ठीक करने के लिए अक्सर नेक के साथ छेड़छाड़ करते हैं या करवाते हैं। फ्रेंड्स, अब इस पेन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्या करना है जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जिस भी पोजिशन में आप बैठने या लेटने में कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, उस पोजिशन में 2 से 3 पिलो लगाकर धीरे से बैठ जाएं या लेट जाएं। फ्रेंड्स, इस खिंचाव का इफेक्ट 48 आवर से लेके 72 आवर्स तक रहता है और उसके बाद धीरे धीरे ही अपने आप ही कम होने लगता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस 48 आवर से 72 आवर के पीरियड में ही अपनी नेक के साथ छेड़छाड़ करते हैं या करवाते हैं। फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इस 42 आवर से 72 आवर के पीरियड में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 3 काम करने चाहिए। हर 6 घंटे से नेक के दोनों तरफ हॉट वाटर बैग से हल्का हल्का फोमेंटेट करना है। ये फोमेंटेशन सिर्फ 5 से 7 मिनट ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। सेकेंड, कोई भी लोकल पेन रिलीवर जैसे कि मूव या आयोडेक्स या कोई और भी हो, उसे दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करें और आराम से लेटे रहें। इसके बाद तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, हर 1 घंटे में नेक को थोड़ा थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट की तरफ रोटेट करने की कोशिश करें। जहां तक आप आराम से रोटेट कर सकें, ज्यादा पेनफुल रेंज में रोटेट ना करें। और इसके बाद धीरे से सीलिंग की तरफ नेक को उठाएं और सीलिंग को देखने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज को, यानी कि 1 बार लेफ्ट में और 1 बार राइट में और 1 बार सीलिंग की तरफ, सिर्फ 1 बार ही रिपीट करना है और इस एक्सरसाइज को हर 1-1 घंटे से रिपीट करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 8 से 10 घंटे में ही आपको काफी रिलीफ मिल गया है और पेन भी काफी कम हो गया है। लेकिन अगर आप इन 48 आवर्स में नेक के साथ छेड़छाड़ करते हैं या करवाते हैं तो कई बार ये पेन बढ़ जाता है और उसके बाद कई बार इस पेन को ठीक होने में लगभग 2 वीक का भी समय लग जाता है। सो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में नेक के साथ छेड़छाड़ ना करें और 2 से 3 दिन सिर्फ रेस्ट लें और हॉट वाटर बैग से फोमेंटेट करें। साथ ही जो एक्सरसाइज मैंने बताई है ये बहुत ही इफेक्टिव है और आपको बहुत जल्दी रिलीफ देती है। इस एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहें और इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।